अपने कुछ मटेरियल्स दिखाऊंगा आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शेडिंग के लिए। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको आउटलाइन ग्राफाइट पेंसिल्स दिखाता हूँ। सो इसके अंदर जो है 6 ग्रेड्स होते हैं, इनसे आप लाइट टू डार्क शेडिंग कर सकते हो। एच बी से लाइट होता है, 10B से डार्क होता है। सो ये मैक्स एच बी से लेकर 10B तक आती है। एंड यहाँ इसके अंदर 6 ग्रेड्स होते हैं, तो 6 पेंसिल्स आती हैं इसके अंदर। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एच बी है, एंड देन ये 2B है, एंड ये 4B है, ये 6B है, एंड ये 8B है, एंड ये 10B है। सो 10B की जो लिड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मोटी है। इसका मतलब यह है कि पेंसिल ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको आप शार्पनर से शार्प करते हो, बहुत ध्यान से शार्प करना, वरना इसकी लेड ये जो लेड है ये टूट सकती है। सो इसमें आपकी पेंसिल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एंड अब मैं आपको चारकोल दिखाता हूँ। सो ये चारकोल है। सो अब ये मत समझना कि 12 डिफरेंट टाइप्स की चारकोल है इसके अंदर। असल में मेन तो 3 टाइप की चारकोल होती हैं, लेकिन इनके अंदर वही सारे चारकोल्स का मिक्स करके 12 पेंसिल्स दी गई हैं। तो इसके अंदर 6 सॉफ्ट पेंसिल्स हैं, एंड 4 मीडियम पेंसिल हैं, एंड 2 हार्ड पेंसिल्स हैं। सो ये 3 अलग अलग ग्रेड होते हैं। सो देखो, ये सॉफ्ट की पेंसिल है, एंड ये मीडियम की पेंसिल है, एंड ये हार्ड की पेंसिल है। ये हार्ड की पेंसिल है। सो सॉफ्ट से जो है आप डार्क एरियाज को कर सकते हो, एंड मीडियम से आप उन जगह को कर सकते हो जहाँ पर इतना डार्क नहीं है। बट अगर आप जहाँ पर 8B जैसा शेडिंग हो वैसा आप शेडिंग आप कर सकते हो, विदाउट ब्लेंडिंग अगर करना हो। सो मीडियम पेंसिल का यूज़ आप कर सकते हो, एंड हार्ड से जो है लाइट एरिया में आप कर सकते हो। सो मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। सो इसी के जो मतलब बॉक्स था, जो इसके बॉक्स के ऊपर एक ड्राइंग थी। सो मैं उसी ड्राइंग से आपको एग्जांपल देता हूँ। सो ये देखो, ये है इस चारकोल पेंसिल का बॉक्स, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हेयर्स के अंदर जो है सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ किया गया है, एंड ये आईब्रोज ड्रॉ किया गया है इसके अंदर मीडियम है। एंड जो फेस में आपको यहाँ शेडिंग दिख रही है, यहाँ पर शेडिंग जो दिख रही है, उसके अंदर हार्ड पेंसिल का यूज़ किया गया है। सो इनको ये सेम चीज़ आप ग्राफाइट से भी कर सकते हो, चारकोल से भी कर सकते हो। बट ग्राफाइट जो है शाइन करता है, बट चारकोल शाइन नहीं करता है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई ड्राइंग बनाते हो एंड उसको लाइट में किसी को दिखाते हो तो वो शाइन करेगा। तो गाइस, हम इन्हीं मटेरियल्स का यूज़ करके ड्राइंग करने वाले हैं। एंड आप चाहे तो इसका टेप का भी यूज़ कर सकते हो। ये मास्किंग टेप है, नॉर्मल टेप से अलग है। सो नॉर्मल टेप अगर आप अपने पेपर पे लगाओगे वो आपका पेपर ही मतलब पूरा पेपर निकल जाएगा, एंड आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी। सो इससे क्या पेपर नहीं निकलता है, बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि इससे पेपर निकल जाएगा। लेकिन मोस्टली इसको हम ऑयल पेस्टल ड्राइंग्स में यूज़ करते हैं, एंड आप इसको चाहे तो शेडिंग ड्राइंग्स में भी यूज़ कर सकते हो। बट ऑयल पेस्टल में ड्राइंग आपने यूट्यूब पे क्या देखा होगा कि पूरा चारों साइड से लगा देते हैं, बट वो ऑयल पेस्टल के लिए यूज़ होता है। इससे अपना पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है। एंड अगर आपको परफेक्ट बॉर्डर चाहिए विदाउट एनी लाइक परफेक्ट स्क्वायर बॉर्डर चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट है। आप साइड साइड में टेप लगा दो, इजीली आपका हो जाएगा। वरना अगर आपको हाफ शेडिंग चाहिए तो आप कॉर्नर में लगा सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा, आपका जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। सो अब मैं इनसे एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने वाला हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम देखते हैं।